आज 26 नवंबर 2020 है और आज हम लोग एक रात गुजारने के लिए इस होटल में आए हैं क्योंकि यहाँ पर थैंक्सगिविंग डे है। और ये आप हमारे होटल का जो कमरा है वो देख सकते हैं, हम लोग मैरियट होटल में रह रहे हैं और ये जो कमरा है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन जो होटल के इंतज़ामिया हैं उन्होंने बहुत इत्यादि तदाबीर की हुई हैं जिसकी बदौलत से जितने भी जो यहाँ पर रहने आए हैं वो अपने आप को महफूज समझते हैं। यहाँ पर जो सैनिटाइज़र है वो हर जगह दस्तयाब है, कोई भी आपने चीज़ इस्तेमाल करनी है उन्होंने वहाँ पर सैनिटाइज़र लगाए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम लोग सही सलामत सोएंगे और उम्मीद है कि हमें कोरोना वायरस नहीं होगा। ये जो थैंक्सगिविंग का डे है जिसको शुक्रगुजारी का दिन कहते हैं, ये कैसे स्टार्ट हुआ? यहाँ अमेरिका बरे आज़म जब दरियाफ्त होने से पहले यहाँ पर मकामी लोग रहते थे जिनको नेटिव अमेरिकन कहते हैं, जिनको अक्सर औकात आप रेड इंडियन भी कहते हैं। और ऐसे था कि यहाँ पर सबसे पहले जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो आए और वो और उसके अलावा जो नेटिव अमेरिकन थे वो रह रहे थे, तो इसलिए फिर उन्होंने आपस में जो अपना खाना एक दूसरे को दिया और कहा कि वो एक दूसरे का खाना खाएंगे और उस और शुक्रगुजारी करेंगे कि हम इस जगह पर हैं जहाँ पर हम लोग आराम से और ज़िंदगी बसर करते हैं और मोहब्बत और प्यार से अपनी जो ज़िंदगी है गुजार सकते हैं। तो इस तरह ये जो शुक्रगुजारी का जो दिन है ये स्टार्ट हुआ। और अमेरिका में जो सबसे जो दोनों दो बड़े दिन जो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर अमूमन तौर पर तमाम जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं वो बंद होते हैं, वो एक है क्रिसमस का दिन और एक है थैंक्सगिविंग डे।
अभी मैं सुबह यहाँ पर उठा हूँ और नाश्ता करने के लिए आया हूँ, और जिन टेबल पर पेपर लगे हों इसका मतलब है कि या ये आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की हुई है। और पहले यहाँ पर बुफे मिलता था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से वो बुफे है जो चीज़ें मिलती हैं वो नहीं मिल रही। उसके अलावा ये इंडिविजुअली उन्होंने सीरियल है, ओट मिल्स है, और उसके अलावा दही और केक वगैरह है, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो उन्होंने इंडिविजुअली रैप की हुई हैं ताकि जो कोरोना वायरस वो फैल ना सके।